मेरे तो उतर उतरा ही उतारेंगे। चलो मैं उतारू ना, तो मैं तो उतारू। फिर मैं उतारूंगा तो आधा अधूरा रह जाएगा ना, काम तो पूरा होना चाहिए। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट, वो फैट लो कार्ब डाइट लेके चलेंगे हैवी प्रोटीन के साथ। तेरी बहन का बाड़ा करोड़ की आवाज बंद करिए। मसल्स ज्यादा पंप करनी होती है, बड़ी दिखानी होती है, सेटिस्फैक्ट्री अंदर से होनी चाहिए। 7 बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है अगर आपको अपनी पीक गेन करनी है, ऊपर लाना है, होल्ड करना है, स्क्वीज टाइट एंड स्लोली रिलीज। नेगेटिव पोस्चर स्लो एंड पॉजिटिव फास्ट। ये कैमरा देख के ये सब बहुत मौज मस्ती मजाक हो गई। यहाँ लाना है, होल्ड करना है, स्लोली रिलीज। मेरा भाई हरियाणा का वो समझ जाएगा, वो बर्मा चलाने वाला जो मूवमेंट होता है ना वो, तो ये चीज इसको टाइट करना है, महसूस करना है। जब आपकी ट्राइसेप बनेगी, एल्बो लॉक रहेंगी, स्लोली अप फास्ट डाउन। मेरी सभी से एक दरख्वास्त है, आपकी नज़र में कोई कैमरामैन या कोई एडिटर हो, वीडियो एडिटर, प्लीज मुझे सजेस्ट कर दीजिए नंबर। क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई ना हमारी टक्कर में। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, और आज है डे 36 ट्रांसफॉर्म सीरीज स्टेरॉइड के साथ बर्थडे चैलेंज। और आज मैं लूंगा बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट। तो अल्टीमेट बाइसेप्स ट्राइसेप वर्कआउट होने वाला है, सर्किट सीरीज लेंगे। एक वर्कआउट होगा बाइसेप्स का, एक होगा ट्राइसेप्स का, तो दोनों का मिक्सचर ब्लेंड बना के 4 वर्कआउट लेते हैं और बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आएगा अगर आप लेते हैं। और लो फैट लो कार्ब डाइट लेके चलेंगे हैवी प्रोटीन के साथ, तो देखते हैं कैसा फर्क आएगा, क्योंकि एक महीना जा चुका है और अब आ चुकी है असर दिखाने की बारी। तो चलिए करते हैं वर्कआउट। पहले मैं लूंगा केबल कर्ल फॉर बाइसेप्स, बाइसेप्स कर्ल के लिए, एंड ट्राइसेप्स के लेंगे रोप के साथ में पुश डाउन। सो दिस इज फर्स्ट वर्कआउट, और विद फैट ग्रिप होल्ड एंड स्लोली डाउन। फील योर वर्कआउट व्हेन यू आर डूइंग वर्कआउट विद एनी मसल, द इफेक्ट इज रिलेटेड विद योर फोकस। व्हेन यू आर कनेक्टेड विद योर माइंड देन यू आर एबल टू डू So, पहला सेट है 8 से 10 रेपिटेशन इसके, और उसके साथ में लेंगे हम रोप पे। तो ट्राइसेप वर्कआउट विद रोप, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड जस्ट जो नेगेटिव पोस्चर है वो आपको स्लो मेंटेन करना होगा। दिस इज स्लो एंड दिस इज फास्ट, दिस इज स्लो एंड दिस इज फास्ट। और नीचे लाते वक्त थोड़ा सा वाइड करना है आपको, बट ओवर वाइड के चक्कर में आप इंजरी ले सकते हैं। सो जस्ट फोकस ऑन योर रिजल्ट एंड वर्कआउट। इन दोनों वर्कआउट का मिक्सचर ब्लेंड बनाते हैं और बहुत इफेक्टिव वर्कआउट होने वाला है। मैं लूंगा ड्रॉप सेट लास्ट वाला, 2 सेट और लेता हूँ इसके, 4 सेट में मिलते हैं आपके साथ। ड्रॉप करेंगे बाइसेप्स का और ट्राइसेप्स का मिक्सचर। जब आप वर्कआउट करते हैं तो सबसे बड़ा रिलेशन आपका अगर बनाना है आपको, तो माइंड के साथ बनाइए। अभी ये मेरा ड्रॉप सेट, और ड्रॉप सेट जब आप स्किन लेयर को पतला करते हैं, मसल्स ज़्यादा पंप करनी होती है, बड़ी दिखानी होती है, तो ड्रॉप सेट का बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर में। और अभी मैं लूंगा पहले 10 रेपिटेशन, पहले सॉरी 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ओफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और पहली बार में 2 प्लेट कम, और अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अंदर से ना आवाज आनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री अंदर से होनी चाहिए, दिखावा नहीं। कि अगर कोई कोच साथ है उसको खुश करना है या वेट मार के दिखाना है, शॉप से परे रिजल्ट मैटर करता है। कितने हो गए? 8। अब हिम्मत बची नहीं है, 1 सेट और रह गया। अब मेरे शिवम भाई का रोल है, साथ में जो भाई खड़ा ना वो पुश, देखो बूस्ट करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो चलो, तगड़े होके आएंगे अभी तो। दे कंधे पल का सा। हाँ चलो, क्यों पड़े हो चक्कर में, मैं हमेशा कहूँ कोई ना हमारी टक्कर में। इसके बाद ट्राइसेप्स। सो अब
ट्राइसेप्स की बारी है और ट्राइसेप में भी ड्रॉप। इतना शेड्यूल एक्सरसाइज, इतनी एक्सप्लोसिव करो कि धमाका हो और दिखे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओफ अगेन। नाउ टाइम टू टेक 9 रेपिटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप ये देखिए कि एक बार स्लो ट्विच एंड एक बार फास्ट ट्विच। पहला मैंने लिया स्लो, लिया उसके बाद फास्ट लिया, अभी फिर स्लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ट्राइसेप बहुत बड़ा मसल है, आपके बाइसेप्स का 60-65% हिस्सा है। इसे ट्रेन करते वक्त कोई भी कंजूसी ना करे। सेकंड वर्कआउट में लूंगा प्रीचर कर्ल, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है अगर आपको अपनी पीक गेन करनी है। अगर आपको बाइसेप्स की पीक पे ध्यान देना, इंटरनली बाइसेप्स को बिल्ड करना है, तो वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट, रिप्लेस कोई नहीं कर सकता इसे। तो प्रीचर लेते हैं। 1, 2, 3 ऊपर लाना है, होल्ड करना है, स्क्वीज टाइट एंड स्लोली रिलीज। होल्ड, स्क्वीज, स्लोली रिलीज। रेपिटेशन दिखावे से बेहतर आप वाजिब तरीके से अगर 2-4 कर रहे हैं वो भी फर्क देगा, लेकिन वो 10 जो बहसबाजी में उकस के उल्टे सीधे मारोगे कोई फायदा नहीं है। जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो सिर्फ आप वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप दिखावे पे वर्कआउट कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और ट्राइसेप्स के लिए आपको अगेन रोप लेनी है एंड ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन हम करते हैं, वो रोप के साथ कर लिए बट विद वाइड ग्रिप। ये अंदर की तरफ इस तरीके से जाएगा और बाहर ऐसे खोलना है, हाथ को होल्ड करना है स्लोली। नेगेटिव पोस्चर स्लो एंड पॉजिटिव फास्ट। ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वर्कआउट आप अपना लास्ट दें। मैं आपको सच्ची दिल से बोल रहा हूँ कि अब है ना, मुझे खुद लग रहा है कि बहुत मौज मस्ती मजाक हो गई। दिस इज माई नेक्स्ट वर्कआउट और पंप कैसा आ रहा है, फील कैसा आ रहा है ज़रूर बताएं। ऑल्टरनेट डंबल, यहाँ लाना है, होल्ड करना है स्लोली रिलीज, यहाँ लाना है, होल्ड करना है स्लोली रिलीज। तो इसी तरीके से फोकस्ड होके स्ट्रेट सीधे खड़े रहना है एंड फील योर वर्कआउट। कोशिश करनी है कि बॉडी ना हिले, थोड़ी बहुत तो हिल सकती है चल जाएगा, लेकिन कंट्रोल करना है। फिर भी एल्बो स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है और इसके साथ आपको ट्राइसेप्स का वर्कआउट जो लेना है वो मैं दिखाता हूँ। जो हम सिटी ड्राइंग करते हैं, जो स्टैंड लगाते हैं, उस स्टैंड के साथ ट्राइसेप्स करनी है। अगर कोई लोकल मेरा भाई हरियाणा का वो समझ जाएगा, वो बर्मा चलाने वाला जो मूवमेंट होता है ना, वो ट्राइसेप्स के लिए बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। स्ट्रेट, चेस्ट अप, बैक आर्च। 1, 2, 3, 4, 5। ये टी शर्ट नीचे होगी, ढीली टी शर्ट है, वरना फील देखते हैं आप। ग्रिप बहुत टाइट रहेगी, जितनी टाइट करके आप ग्रिप को करेंगे उतना ज़्यादा जब आप यहाँ फोकस्ड होते हैं और यहाँ दबाते हैं तो ये चीज़, इसको टाइट करना, महसूस करना है जब आपकी ट्राइसेप बनेगी। तो इसके बाद वाला वर्कआउट लें, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है यार आपकी बाइसेप्स पीक को लुक देने के लिए। ये हथेलियों से आपको वेट लिफ्ट करना है, अप फ्रंट करके हथेलियों को जब ऊपर की तरफ उठाना है एंड स्लोली रिलीज अगेन। ये देखने में आपको लग रहा है इजी, लेकिन इजी वर्कआउट नहीं है और बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है।
पीक है ना पूरी टाइट हो जाती है। और ट्राइसेप्स का लेते हैं वर्कआउट, ये है मेरा लास्ट वर्कआउट, इसके बाद ब्लॉक का एंड करते हैं। फोरआर्म का वर्कआउट मिस नहीं करूंगा मैं, दिस इज फाइनल वर्कआउट फॉर ट्राइसेप्स। और लॉक रखना है अपने आप को, बैक आर्च रखनी है, चेस्ट अप एंड जस्ट एल्बो लॉक रहेंगी, स्लोली अप फास्ट डाउन, स्लोली अप फास्ट डाउन। जितना आप स्लो करेंगे उतना इफेक्टिव है। और दो तरीके की मसल होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच, आपको एक्टिवेटेड करना है दोनों को। दोनों का ना अपना एक अलग इम्पैक्ट है। और यार मैं एक चीज़ से ना बहुत परेशान हूँ, आप सभी से, जो भी लोग इसे देख रहे हैं, मेरी सभी से एक दरख्वास्त है, आपकी नज़र में कोई कैमरामैन या कोई एडिटर हो, वीडियो एडिटर, प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर दीजिए, नंबर डाल दीजिए उनका, आई विल कॉन्टैक्ट टू हिम। क्योंकि बहुत परेशानी होती है शूट करना, बातें करना, वीडियो एडिट करना, बहुत समय लग जाता है, तो इसके लिए बंदा चाहिए कोई, फिर और ज़्यादा मेहनत से मैं शिद्दत से कर पाऊँगा। अभी कलाई का वर्कआउट बाकी है, काट दें। और ये वर्कआउट ऐसा है कि बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, अगर आप अपनी फोरआर्म के लिए करते हैं, आपकी रिस्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, सो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव वर्कआउट। और इसके साथ में हम अभी फोरआर्म कर्ल भी करेंगे इफेक्टिवली विद, आपको अगर एक्टिवली अपनी फोरआर्म को गेन करना है और एक मसल्स उसके अंदर में बिल्डअप करने हैं, तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जब हम ये वाला वर्कआउट करते हैं ना, आप इसे नीचे लाएं और बिल्कुल उंगलियों तक लेके जाएं और फिर उंगलियों से उठा के ऊपर लाएं, एक्चुअली बहुत इफेक्टिव है, करके दिखाता हूँ मैं। वर्कआउट जिसकी मैं डिस्कस कर रहा था आपको, यहाँ लाने के बाद जब आप इस तरीके से रिलीज करते हैं, फिंगर्स पे जाता है वेट, और उसके बाद जब आप ऊपर ट्विस्ट करते हैं, एक्चुअली इफेक्टिवली आपकी मसल वर्क करती हैं और रिजल्ट भी आता है। तो रिजल्ट मैटर करता है, वर्कआउट करें रिजल्ट के लिए करें। आप होल्ड स्लोली डाउन, क्यों पड़े हो चक्कर में, और कोई ना हमारी टक्कर में। आज के ब्लॉक का एंड करते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स विद फोरआर्म ट्विस्टिंग एंड दिस इफेक्टिवली वर्कआउट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ब्लॉग पे प्यार दे दीजिएगा, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और कोई भी सजेशन, कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए आप डालिए, आई विल रिस्पॉन्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।